इस मंतव्यों की लड़ाई में कहीं हम फिसल रहे हैं उस चढ़ाई में, चढ़ाई वही जो हम बचपन से चढ़ रहे हैं, चढ़ाई वही जो हम बचपन से चढ़ रहे हैं। इस देश का हर एक नागरिक मेरा भाई बहन है। हम जिस वक्त में जी रहे हैं उसमें कहानियों का महत्व बहुत बढ़ गया है। कहानियाँ जो है वो सुनाई जा रही है लोगों को जोड़ने के लिए और लोगों को तोड़ने के लिए भी। हमें लगता है कि जो कहानियाँ लोगों को जोड़ रही हैं वो सिर्फ कुछ ही लोगों को जोड़ रही है, और फिर वो कुछ लोगों को किसी और लोगों के सामने जोड़ रही है, या फिर वो जो हम कहते हैं ना कि मैं या तुम का भाव जो है वो कहानियों में बढ़ता जा रहा है हमारे आसपास की कहानियों में। तो इसलिए अपने आप को मैं उसी तरह से देखता हूँ कि ऐसी कहानियाँ सुनाई जाए कि जो मैं या तुम से मैं और तुम तक पहुँचे, और जब वो मैं और तुम तक पहुँचेंगे तब तक अपने आप वो हम का भाव जो हम चाहते हैं कि हमारे बीच में हो वो बढ़ जाए। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि अगर मैं कम्युनिटी से बात करना चाह रहा हूँ, उनसे मिलना चाह रहा हूँ, तो वहाँ पे भी ये ना हो कि मैं जो कह रहा हूँ बस वही कहने के लिए वहाँ जाऊँ। मैं यही चाहता हूँ कि मैं सुन सकूँ वहाँ जाके, और इतना सुन सकूँ कि मैं उन्हें जो सुनना है वो सुना सकूँ, ना कि मुझे जो कहना है उन्हें वो। तो मैं बाइक पे बहुत घूमता हूँ अहमदाबाद में, और हेलमेट पहनने की मुझे आदत है सालों से। तो अब हेलमेट के अंदर वैसे जो मेरे मन की आवाज़ें हैं वो उनको वैसे तो बाहर ला नहीं सकते हम जब लोगों के बीच होते हैं, क्योंकि तब तो हम पागल लगेंगे, पर बाइक के अंदर आपको पागल कहने वाला कोई होता नहीं है। तो बहुत सारे आइडियाज़ मुझे हेलमेट के अंदर आते हैं जब मैं खुद से बातें कर रहा होता हूँ। मेरे लिए ऐसा रहा है कि जब जब मैंने कुछ कहने की कोशिश की है स्पोकन वर्ड पोएट्री के थ्रू, वो मेरे लिए एक बहुत इमोशनल एक्सपीरियंस रहा है, या फिर कथारसिस जैसा ही रहा है वो मेरे लिए। हर बार आप उतने इमोशनल हमेशा होते नहीं हो, या फिर आपको याद नहीं होता है कि आप क्या महसूस कर रहे थे उस वक्त जब आपने वो लिखा था, लेकिन जब जब मैं परफॉर्म करता हूँ तब वो मुझे खुद को ही उस स्पेस में ट्रांसपोर्ट कर देता है। मतलब जिस भावना में मैंने रहकर वो बात कहना चाही थी वो पोइट्री परफॉर्म करते वक्त होता है। जब परफॉर्म करता हूँ तब वो इमोशनली भी और विचार के रूप में भी, मतलब वो फिर से याद आ जाती है कि हाँ, और इसलिए वो मैं जुड़ा रहता हूँ अपनी सीखों से, अपनी पोइट्री की वजह से। जानता हूँ मुश्किल है ये इंसानियत का पहाड़ चढ़ना, मुश्किल है ये इंसानियत का पहाड़ चढ़ना, किसी पर पैर रखे बिना आगे बढ़ना, मुश्किल है ये इंसानियत का पहाड़ चढ़ना, किसी पर पैर रखे बिना आगे बढ़ना, और उससे भी ज्यादा मुश्किल है वो किसी कोई उसको अपना मानना। ऐसे किसी भी चढ़ाई को छोड़ना होगा, ऐसे किसी भी पायदानों पर से उतरना होगा, और सोचना होगा कि इस मंतव्यों की लड़ाई में एक दूसरे से लड़ कौन रहा है, हमारे मंतव्य या हम इंसान।